वेलकम बैक टू फैक्ट एशिया। आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला है, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए कप्तान बन चुके हैं। करीब 8 गुना ज्यादा वोट से शशि थरूर को हराने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, जहाँ शशि थरूर को करीब 1000 वोट मिले, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हो गए हैं। इससे पहले 1971 में जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें, खड़गे का नेता दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से होने के बावजूद वह अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर में दिग्गज से दिग्गज नेता हार रहे थे, तब भी खड़गे ने जीत का परचम लहराया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सांसद तक अपनी बात ज्यादातर हिंदी में रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक और वकालत की पढ़ाई की थी। दरअसल राजनीति में आने से पहले वो वकालत के पेशे में थे। कांग्रेस के ही एम निजालिंगपा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके खड़गे अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। लगातार 9 बार विधायक बनने वाले 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले खड़गे को गांधी नेहरू का वफादार माना गया है। बता दें, मल्लिकार्जुन महादलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले खड़गे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे। हालांकि खड़गे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र संघ के नेता के रूप में की थी। दरअसल सरकारी कॉलेज गुलबर्ग में उन्हें छात्र संघ में महासचिव के रूप में चुना गया था। 1969 में वे MSK मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बने थे। साथ ही वो संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेता भी थे और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई आंदोलनों का निर्वोत्तर भी किया था। बता दें, 1969 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और गुलबर्ग सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। खड़गे ने पहली बार 1972 में कर्नाटक राज्य विधायक चुनाव लड़ा और गुरमित काल निर्वोत्तर क्षेत्र से जीत भी हासिल की। 1976 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया था। 1978 में वह दूसरी बार गुरमित काल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी चुने गए। फिर वह ग्रामीण विकास और पंचायत राज राज्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। 1980 में वह गेंदू राव कैबिनेट में राजस्व मंत्री बने। 1983 में वह तीसरी बार गुरमित काल से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। 1985 में वह चौथी बार गुरमित काल से कर्नाटक विधानसभा जीते और उन्हें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उपनेता नियुक्त कर दिया गया। बताते चले, 1989 में वह गुरमित काल से 5वीं बार भी जीतने में कामयाब रहे। इसी तरह जीतते जीतते साल 2004 में खड़गे लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2008 में वह लगातार 9वीं बार चीतापुर से विधानसभा के चुनाव में जीतते रहे। खड़गे को 2008 में दूसरी बार विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। 2009 में खड़गे ने गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपना लगातार 10वां जीत हासिल किया। गौरतलब है कि मोदी लहर होने के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़गे ने गुलबर्ग संसदीय सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्व को 13,404 से अधिक मतों से हराया था। जून में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। हालांकि खड़गे 2019 में नहीं जीत पाए थे और भाजपा के उम्मीदवार जी माधव ने उन्हें 95,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इसके बाद 12 जून 2020 को खड़गे कर्नाटक के राज्यसभा के लिए चुनाव जीत गए। उसके बाद फरवरी 2021 में खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था।
उन्होंने यूपीए सरकार में केंद्र कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम एवं रोजगार, रेल और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग संभाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ और परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव की वजह से अपने जन्म स्थल को छोड़कर गुलबर्ग, जिसे पहले गुलबर्ग कहा जाता था, वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सिनेमा थिएटर में नौकरी भी की थी। पहले 12 चुनावों में वह 11 बार जीत चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, वह 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 6 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले खड़गे ने 13 जुलाई 1968 को राधाबाई से शादी की और उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फैक्ट से जुड़ी फैक्ट बेस्ड स्टोरीज देखने के लिए बने रहें फैक्ट एशिया के साथ।